पाकिस्तानी सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। सोमवार को भी सीमा, सचिन और सचिन के पिता से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सचिन पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं है जिससे वो पबजी के जरिए मिली थी। इससे पहले भी वो भारत के कुछ युवकों के संपर्क में थी। जिन लोगों से सीमा ने संपर्क किया था वो ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के हैं। फिलहाल यूपी एटीएस सीमा और सचिन से अलग अलग पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा हैदर से सोमवार को एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइन पढ़वाई थी जिसे सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। जिस तरह से तुरंत बिना हिचके सीमा सभी सवालों के जवाब दे रही थी उसको देखते हुए एटीएस सतर्क है। एटीएस इस बात की जांच कर रही है कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा। सीमा के परिवार में कितने लोग हैं, ससुराल और मायके के लोग क्या करते हैं, कहां रहते हैं, इन सब को लेकर सीमा से पूछताछ कर रही है। सीमा के चाचा और भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना भी शक पैदा कर रहा है। साथ ही सीमा के बिना वीजा इंडिया आने को लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। यूपीएटीएस ने सोमवार को सीमा हैदर के पासपोर्ट, आधार कार्ड और उसके बच्चों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की। जांच के दौरान ग्रेटर नोएडा रबुपुरा थाने के थाना प्रभारी को भी बुलाया गया। थाना प्रभारी की जाँच में मिले सबूतों को एटीएस ने अपनी जाँच में शामिल किया। सीमा हैदर के ISI और पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा सीमा हैदर द्वारा नोएडा पुलिस को दिए गए बयान और एटीएस की पूछताछ में दिए गए सवाल जवाबों का मिलान भी किया गया। वहीं सीमा के पति गुलाम हैदर से भी यूपी एटीएस फोन पर बात करेगी। सीमा के बयानों और गुलाम के बयानों को मैच किया जाएगा। जांच के बाद एटीएस रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को लखनऊ हेड ऑफिस भेजा जाएगा। इसके बाद गृह मंत्रालय से रिपोर्ट साझा की जाएगी। फिलहाल सबकी निगाह एटीएस की जांच पर टिकी है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।